अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और इजराइल अमेरिका और इजराइल आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हो गए हैं। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो अमेरिका और इजराइल दोनों देश यूनेस्को की सूची से क्या हो गए, बाहर हो गए। आगे लिखिए दूसरा फैक्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में 537 भारतीय बंद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में 537 भारतीय बंद है। अगला घंटे लेके तीसरा, ऋषभ पंत एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक 20 कैच पकड़ने वाले पहले विकेटकीपर बन गए। ऋषभ पंत एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक 20 कैच पकड़ने वाले पहले विकेटकीपर बन गए। ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध गीतकार नॉर्मन जिम्बेल का निधन हो गया है। ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध गीतकार नॉर्मन जिम्बेल का निधन हो गया है। आगे लिखिए, आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक दो हजार अठारह में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है। मतलब पहले जितने बैंक के फ्रॉड केस होते थे उसमें 2018 में 4 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। आगे लिखिए, 1 जनवरी 2019 को कतर, जो देश है जिसकी राजधानी दोहा है, 1 जनवरी 2019 से कतर ओपेक
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। तो कतर जो है 1 जनवरी 2019 को कतर ओपेक से पूर्णतः अलग हो गया है। ये ओपेक संगठन जो है इसमें कतर की भागीदारी भी थी और साझेदारी भी थी, लेकिन कतर ने अपना आप क्या कर लिया, इससे अलग कर लिया। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है ये वियना में, ओपेक का मुख्यालय कहां पर है, वियना में, जो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। पहला लिखवा था मैंने, कतर ने घोषणा की है ओपेक से अलग होने की, लेकिन 1 जनवरी को फाइनल ये क्या हो गया है, उससे अलग हो गया। ठीक है, अगला फैक्ट लिखिए, एक्सिस बैंक की एमडी और सीईओ, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ शिखा शर्मा, एक्सिस बैंक की एमडी और सीईओ शिखा शर्मा सेवानिवृत्त हो गई। एक्सिस बैंक की सीईओ और एमडी शिखा शर्मा सेवानिवृत्त हो गई है। आगे लिखिए, इसरो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में संगठन, इसरो ने छात्रों के साथ संवाद, उसको इनवर्टेड कॉमा में लिखना, छात्रों के साथ संवाद इसरो ने छात्रों के साथ संवाद नामक एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अगला फैक्ट, हेमंत भार्गव को LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, हेमंत भार्गव को LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। हेमंत भार्गव से पहले जो LIC के चेयरमैन थे उनका नाम है वीके शर्मा। हेमंत भार्गव से पहले LIC के चेयरमैन थे, लेकिन वीके शर्मा रिटायर हो गए हैं और अब हेमंत भार्गव को LIC का चेयरमैन बना दिया गया है। LIC का मुख्यालय मुंबई में, ये ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन आता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां पर है, वो कहां पर है, मुंबई में। चलिए, और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भी कहां पर है, मुंबई में। अगला फैक्ट लिखिए, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, चोलेंद्र शमशेर JB राणा को नियुक्त किया गया। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चोलेंद्र शमशेर JB राणा को नियुक्त किया गया। अभी चोलेंद्र शमशेर JB राणा
अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, लेकिन इनसे पहले जो थे उनका नाम है ओम प्रकाश मिश्रा। इन्होंने ओम प्रकाश मिश्रा का स्थान लिया है। उस नेपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? ओम प्रकाश मिश्रा। लेकिन अब वर्तमान में कौन होंगे? चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, तो जो नेपाल के राष्ट्रपति है वो है विद्या देवी भंडारी। तो शपथ किसने दिलवाई इनको? विद्या देवी भंडारी ने शपथ दिलवाई। आगे लिखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो, जेयर बोल्सनारो को सुना गया। नोट कर लीजिए, 2018 के अंत में, 2018 के अंत में राज्यों में पच्चीस राज्यों में 100% घरों में 25 राज्यों में 100% घरों में विद्युतीकरण संपन्न हुआ। आपको याद होगा मैंने एक या डेढ़ महीने पहले एक फैक्ट लिखवाया था कि 8 राज्यों में 100% विद्युतीकरण संपन्न हुआ, उसमें मध्य प्रदेश भी था। विद्युत से संबंधित एक योजना है जो एग्जाम में आ चुकी है, जिसका नाम है सौभाग्य योजना। कौन सी योजना है? अगर क्वेश्चन आता है कि विद्युतीकरण से संबंधित योजना का नाम क्या है, सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना के तहत ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी 29 राज्य हैं सभी में हर घर में बिजली होना चाहिए, इस सौभाग्य योजना का टारगेट था। तो पहले 8 राज्यों में ये 100% बिजली का काम किया गया, लेकिन अब 2018 के खत्म होने पर कितने राज्यों के घरों में हो गई 100% बिजली? 25। 4 राज्य बचे हुए जहां पर अभी काम बाकी है, तो उन 4 राज्यों का नाम लिख लीजिए। ठीक है, इसी में असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़। असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़, मतलब यहां पर 10.48 लाख, 10.5 लाख घरों में अभी बिजली पहुंचाना बाकी है। इन 4 राज्यों को मिलाकर, इनको छोड़कर बाकी 25 राज्यों में हर घर में बिजली 100% विद्युतीकरण हो गया। ये 4 राज्य बचे हैं, असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़। था उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़वा एलपीजी गैस कनेक्शन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 6 करोड़वा एलपीजी गैस कनेक्शन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिल्ली की जस्मीना खातून को प्रदान किया गया। दिल्ली की जस्मीना खातून को प्रदान किया गया। देखिए, जो उज्ज्वला योजना है ये एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित, मतलब जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको फ्री में गैस सिलेंडर देने की योजना सरकार ने चालू करी थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को ये डिसाइड किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि 31 मार्च 2019 तक हमें 5 करोड़
ऐसे लोगों को गैस सिलेंडर बांटना है जो बिल्कुल क्या है निर्धन है, जो गरीबी रेखा से क्या आते नीचे आते हैं। तो इस योजना को शुरू कब किया गया था, 1 मई 2016 को, और टारगेट खत्म कब करना था, 31 मार्च 2019 को। लेकिन सितंबर के महीने में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 5 करोड़वा गैस सिलेंडर बांटकर इस टारगेट को 6 महीने पहले ही पूरा कर दिया। फिर सरकार को लगा कि इस योजना को फिर चालू करना चाहिए, तो केंद्र सरकार ने फिर निर्देश जारी किए कि ये 31 मार्च तक ये योजना फिर कंटिन्यू चलेगी। तो अभी 6 करोड़वा जो गैस सिलेंडर है वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिल्ली की महिला है जस्मीना खातून उनको प्रदान किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, एलपीजी गैस सिलेंडर से किनको दी जाती है, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था, 1 मई 2016 को, टारगेट खत्म कब करना है, 31 मार्च 2019 को, 5 करोड़वा गैस सिलेंडर किसने बांटा, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने, 6 करोड़वा किसने बांटा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, 6 करोड़वा गैस सिलेंडर किसको दिया गया, जस्मीना खातून को, और अभी तक ये योजना के अंतर्गत कितने गैस सिलेंडर बांटे जा चुके हैं, 6 करोड़। ये सारे करंट अफेयर इस पॉइंट से बन सकते हैं, ठीक है। जस्टिस ए के सिकरी, न्यायाधीश ए के सिकरी, जस्टिस ए के सिकरी को नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जस्टिस ए के सिकरी को नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। जस्टिस मदन बी लोकुर, आपको याद होगा कि कुछ माह पहले 4 जजों ने नेशनल टेलीविजन पर दीपक मिश्रा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मदन बी लोकुर भी शामिल थे। उन 4 जजों में जो थे पहले चेलमेश्वर, जो 22 जून को रिटायर हो गए, चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ और आखिरी है मदन बी लोकुर, ये 4 जज ने दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ और मदन बी लोकुर। चेलमेश्वर, कुरियन जोसेफ और मदन बी लोकुर ये तीनों रिटायर हो चुके हैं, और वर्तमान में रंजन गोगोई अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, जिनका कार्यकाल 19 नवंबर 2019 तक का है। आगे लिखिए, पहली बार असम समझौते को लेकर तथा असम में बोडो समुदाय, आपको बताया क्या एक समुदाय है बोडो, ये जाति जनजाति कहां की है, असम की है। पहली बार असम समझौते को लेकर तथा बोडो समुदाय के मामलों को हल करने के लिए विजया बैंक देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा तीनों में विलय
तीनों में विलय की मंजूरी, तीनों में विलय की मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। ऐसे बहुत सारे समझौते रहते हैं जिन पर बैंक मिलकर काम करती है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों असम समझौते और असम में जाती रहती बोडो उसके मामले को हल करने के लिए तीनों क्या हो गए, एक हो गए, तीनों विलय हो गए। लोकसभा में AIDMK अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, लोकसभा में AIDMK के 24 सदस्यों को सदन के कार्यवाही सदन के कार्यवाही में दखल के कारण 5 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा में किसी मुद्दे पर बहस हो रही थी तो AIDMK के 24 जो सदस्य है उन्होंने कार्यवाही को रोकने का या उनको बीच में दखल दी, इस कारण सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर ने इनको 5 बैठकों के लिए क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। लोकसभा में जो 5 बैठकें होगी उसमें AIDMK के 24 मेंबर शामिल नहीं होंगे, लेकिन 6ठी बैठक जो होगी उसमें शामिल हो सकते हैं। आगे लिखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के उपभोक्ता बढ़ गए, जो BSNL के कंज्यूम करने वाले हैं वो बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक BSNL के उपभोक्ता बढ़ गए हैं जिससे वोडाफोन और एयरटेल को झटका लगा है ये 2019 के अंत में 2019 के अंत में भारत 2019 के अंत में भारत 32 अंतरिक्ष अभियान लॉन्च करेगा 2019 के अंत में भारत 32 अंतरिक्ष अभियान लॉन्च करेगा। एक्सिस बैंक के सीईओ और एमडी अमिताभ चौधरी को बनाया गया। अब रिटायर कौन हुआ, शिखा शर्मा, एक्सिस बैंक के सीईओ और एमडी जो शिखा शर्मा थी वो रिटायर हो गई और उनकी जगह उसको बनाया गया अमिताभ चौधरी को। ठीक है, लास्ट लिखिए, राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी दस्तावेजों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के फोटो हटाने की घोषणा की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर पर्सन है, उन्होंने ही बीजेपी की स्थापना की थी 6 अप्रैल 1980। तो ये आपके
21 करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरकारी दस्तावेज पर फोटो लगाने की हटाने की घोषणा की है कि अब किसी भी सरकारी दस्तावेज पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो नहीं रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती मनाई जाती है वो 25 सितंबर को मनाई जाती है, 25 सितंबर को मनाई जाती है, ठीक है। जिस पर अभी भोपाल में 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी का महाकुंभ मेला भी आयोजित किया गया था, जिसमें 10 लाख कार्यकर्ता पहली बार भोपाल के जम्बूरी मैदान पर एकत्रित हुए थे, ठीक है।